हेलो, टीसीएस एनक्यूटी के लाजवाब सवाल जो आपके साथ बैक टू बैक वीडियोस के माध्यम से साझा हो रहे हैं। तो एक और शानदार सवाल जो टीसीएस एनक्यूटी की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या है, कभी भी क्वेश्चन की लंबाई देख के घबराना नहीं है कि आपने 10-12 लाइन का क्वेश्चन है, सर इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा। आराम से पढ़िए, सब सवाल आसान होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या कहता है। ए बी सी डी गोज टू फॉर पिकनिक व्हेन ए स्टैंड्स ऑन अ वेटिंग मशीन। एक वेटिंग मशीन है जिसपे आपके पास ए को खड़ा कर दिया। बी ऑल्सो क्लाइम्स ऑन, ठीक है, उस पर वो भी चढ़ गया, ठीक है। एंड सोन द वेट इज 132। मतलब हम इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी का यदि हम टोटल वेट की बात करें तो ये टोटल वेट इन दोनों का 132 kg है। आगे चलते हैं। When B stands, C also climbed on that the machine shows 130। अच्छा, जब B उस पर खड़ा रहा फिर बोलता सर C चढ़ गया, तो भाई इन दोनों का टोटल वेट कितना हो गया, 130 हो गया। ओके आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं भाई, सिमिलरली द वेट ऑफ C एंड D इज फाउंड दैट 102। अच्छा, C और D भी मिला दिया भाई इसने, और ये वेट हमें कितना मिला है, 102 का। फिर आगे चला है भाई, B और D का भी कुछ ना कुछ वेट आया है, तो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग बी और डी, इन दोनों का वेट टोटल मिला के 116 है। तो भैया भर भर के इक्वेशन तो बन चुकी है आपके पूरे सवाल में। हाँ, लेकिन पूछा क्या है, हमें निकालना है वेट ऑफ डी, डी का वेट निकालना है। वैसे सवाल कोई खतरनाक नहीं है, है तो आसान ही, आसानी से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। देखना बड़े ध्यान से भाई, मेरे एक काम कर लो, मुझे ये थोड़ी सी, ये तो इक्वेशन दिख रही है, यदि मैं इनके नामकरण करूँ तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है और ये चौथी इक्वेशन है। मेरा मन हो रहा है कि इसको इससे घटा देता हूँ, मैंने इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से माइनस कर दिया, तो क्या होगा, ये डी से तो डी कट ही जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, बी माइनस सी। और यहाँ पे 116 है और यहाँ पे क्या है, 102 है, तो भाई साहब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 114। तो मुझे एक पांचवी इक्वेशन भी यहाँ से नज़र आ गई। वैसे ये नज़रों नज़रों में बन गई, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान से थोड़ा भी ध्यान दे के आप यदि बनाएंगे तो आपकी बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से सुनो, आप इतनी बात क्लियर है सबको, सवाल का आंसर आ चुका है, बस एक झटके में आपका आंसर खत्म है। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, मुझे एक इक्वेशन ये वाली दिख रही है और एक इक्वेशन अभी जो नई निकाली है वो दिख रही है। एक पॉजिटिव इक्वेशन है, एक नेगेटिव इक्वेशन है, एक पॉजिटिव इक्वेशन है, एक नेगेटिव इक्वेशन है। मैंने आपको कई बार एक शॉर्टकट बताया है, जब भी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ यदि दो इक्वेशन दिख जाएं, तो पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालने का सबसे शानदार तरीका क्या होता है, पहला वाला वेरिएबल अभी हम देखें तो बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ पे, तो बी पहला वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बी की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, दोनों ही जो कांस्टेंट है उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, दोनों कांस्टेंट जो भी वैल्यूज हैं उनको जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। तो भाई मेरे आप बताओ मुझे, 130 यहाँ पर है, 114 यहाँ पर है, तो टोटल मिला के ये 244 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 244 बन जाएगा, लेकिन आधा करना नहीं भूलना। फिर से सुनो, इसको इससे जोड़ा तो 4 आया, 3 में एक जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 244 आधा करना नहीं भूलना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको यदि हम काट दें तो 2 1 2 2 2 4 और 2 2 4, तो मुझे यहाँ से बी की वैल्यू मिल गई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका सहारा ले लो भाई साहब, इसका सहारा ले लें अपन लोग, ठीक है। तो अब मुझे बताओ डी की वैल्यू निकालना है, तो मैं यदि इस संख्या को उस तरफ ले जाऊं, राइट, तो 116 आपके पास माइनस हो जाएगा, यस यस और नो, राइट, जो बी की वैल्यू है आपके पास वो उस तरफ जाएगी तो आपके पास माइनस हो जाएगी, ठीक है, बी, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हुआ, तो आपके पास यहाँ से जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितनी आ गई है भाई, यहाँ से B को उस तरफ ले जाओ, B की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं अपन लोग, D निकालना यहाँ रख दो, ठीक है। अब उसको उस तरफ ले जाएंगे तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से, तो D बराबर हो जाएगा कितना, 122, और इसको माइनस कर लो किससे, इसको माइनस कर लो आपके पास 102 से, है ना, 102 से,
तो आपके पास मात्र 20 ही बच रहा है, तो ऑप्शन में 20 तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। सब ठीक ठाक किया है? एक बार जल्दी से देखना, सब ठीक ठाक किया है आप लोगों ने? ठीक है, सब ठीक ठाक किया है। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर नहीं करी है इस सवाल में, एक चीज़ आपने गौर नहीं करी है। क्या नहीं करी है? देखिएगा, बहुत चीज़ें आप पेपर में भी ऐसे ही मिस्टेक कर जाते हैं। क्या है वो चीज़? आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया क्या? ये जो माइनस किया था हमने, इस पे ध्यान दिया क्या? आपको इससे माइनस करने पे 114 नहीं सिर्फ 14 मिलता है। ये बस सबसे बड़ी गलती होगी हमसे यहाँ पे इस सवाल में। ठीक है, तो इसको सुधार लेते हैं अपन लोग। तो अब देखो, जल्दी से देखो, फटाफट हमारा आंसर फिर से आने वाला है। तो अब बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आंसर में, है ना? अब देखो, डी की वैल्यू क्या आने वाली है। तो अब आपको पता है ये संख्या इस संख्या से जुड़ेगी, तो मात्र 14 ही जोड़ना है, तो 144 ही बनेगा ये। और 144 का यदि हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, यदि हम इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो 116 से यदि हम 72 घटा दें तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 116 से हमें कितना घटाना है? सिर्फ 72 घटाना है। तो मेरे भाई, 7 4 11 मतलब ये हो जाएगा 44। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 kg। देखा, एक सिली मिस्टेक आपको कितना परेशान कर सकती है। ये एग्ज़ाम का प्रेशर भी आपको ऐसे ही परेशान करता है, लेकिन हौसला नहीं खोना है, बने रहना है मैथ्स बाय एनालिसिस यूट्यूब चैनल के साथ। एक एक वीडियो पे आपको शानदार तरीके के मेथड सिखाऊंगा। राइट, मेथड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।